पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। हम बात कर रहे हैं महान कवि गीतकार गोपाल दास नीरज की। ऐसे भी हाँ, वैसे भी डर लगे तो गाना गा, डर लगे तो गाना गा, डर लगे तो गाना गा, डर लगे तो गाना गा। इनका जन्म 4 जनवरी सन 1925 में हुआ, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुरवाली गांव में। इनके जन्म का नाम रहा गोपाल दास सक्सेना। इससे पहले कि ये फिल्म संगीत या फिर काव्य की तरफ रुख करते, इनके बचपन में कुछ ऐसे अनुभव रहे जिन्होंने इन्हें बहुत कुछ सिखाया। बचपन से ही संगीत और काव्य की तरफ इनका रुख था। इनकी शादी हुई तो इनके रिश्तेदार ने इन्हें माली रूप से सहायता देना बंद कर दिया। ये कह दिया कि अब तुम अपने बलबूते जो करना चाहो वो करो। रोजी रोटी चलाने के लिए इन्होंने बीड़ियां और सिगरेट बेची। एक वकील के यहाँ बतौर टाइपिस्ट काम करने लगे। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई, रिक्शा भी खींचा, दीवारों पर इश्तेहार पेंट किए। यहाँ तक कि यमुना नदी में अक्सर ये गोते लगाते थे ताकि वो सिक्के इकट्ठे कर सकें जो श्रद्धालुओं ने नदी में फेंके थे। धीरे धीरे नीरज साहब ने दिल्ली की तरफ रुख किया। यहाँ पर ये सरकारी पब्लिसिटी डिवीजन में बतौर टाइपिस्ट लग गए। लेकिन नीरज साहब का मन सरकारी नौकरी में लग नहीं रहा था। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि ये बहुत छोटे ही थे जब इन्हें इश्क हो गया, पर जो कि इनकी माली हालत सही नहीं थी लिहाजा उस लड़की से ये शादी न कर सके। पर टूटे दिल की दास्तां इन्होंने अपनी कविताओं और गीतों के जरिए जमाने के सामने रखी। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले नीरज साहब ने कुछ वक्त के लिए मेरठ कॉलेज में बतौर हिंदी अध्यापक काम किया, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने नीरज साहब को जरा डांट दिया। ये कह दिया, आप तो क्लास में पढ़ाने ही नहीं जाते, आपके तो सिर्फ रोमांस के चर्चे हैं। इस बात से नीरज साहब बहुत गुस्सा हुए और इन्होंने खुद ही उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद इन्होंने रुख किया अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज की तरफ, जहां पर ये हिंदी विभाग के प्रोफेसर चुन लिए गए। बस अलीगढ़ शहर को इन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। कवि सम्मेलनों में नीरज साहब की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और फिल्म प्रोड्यूसर आर चंद्रा, जो कि आगे जाकर डायरेक्टर बने और उन्होंने एक फिल्म बनाई नई उम्र की नई फसल, ये फिल्म नीरज साहब की कविता कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे से प्रेरित थी। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास काम न किया, पर नीरज साहब पर नजर पड़ी उस जमाने के एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब की। देवानंद साहब ने इन्हें मुंबई बुलाया। इन्होंने 6 की छुट्टी ली अपने कॉलेज से। देव साहब ने अभी इन्हें साइन भी नहीं किया था, पर ₹1,000 इन्हें थमा दिए। मुंबई के सैंडाक्रूज इलाके के एक आलीशान होटल में इन्हें ठहराया गया। अगले दिन देवानंद साहब इन्हें ले गए सचिन देव बर्मन के पास। उन्होंने एक बड़ी कठिन सिचुएशन नीरज साहब के सामने रखी और कहा कि यदि तुम गाना लिख लाओ तो बहुत अच्छा होगा। एक ही रात में नीरज साहब ने वो गाना लिख डाला। देवानंद साहब बड़े खुश हुए और एसडी बर्मन साहब ने कहा कि मैंने जानबूझ के तुम्हें इतनी कठिन सिचुएशन दी थी, पर तुम पास हो गए। उसके बाद फिल्म प्रेम पुजारी के तमाम गाने नीरज साहब ने लिखे, चाहे रंगीला रे रहा या फिर शोकियों में घोला जाए, और फूलों के रंग से तो कौन भूल सकता है। जो भी यहाँ चीज है तेरा ही माल है, जो भी यहाँ चीज है तेरा ही माल है, तेरा हाथ थाम ले किसकी मजाल है, पकड़ भी जाए यार कभी तू बस में, रेल में थन में जेल में भीड़ में मेल में सोने में अकेले में। नीरज साहब की नजदीकियां बढ़ी महान संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन से भी। हालांकि शंकर साहब के साथ इनकी काफी बहसें हुआ करती थीं, लेकिन काम बड़ा अच्छा हो जाता था। एक दिन 3 की कविता नीरज साहब ने शंकर जयकिशन के शंकर साहब को दी और कटते छटते उस कविता ने एक गाने की शक्ल ली। गाना लिखे जो खत तुझे, जो की कन्यादान फिल्म में इस्तेमाल किया गया। शैलेंद्र साहब के निधन के बाद देवानंद साहब चाह रहे थे कि कोई ऐसा आए जो सरल हिंदी में बड़े अच्छे गाने लिख सके, और सभी को वो उम्मीद की किरण नजर आई नीरज साहब के काव्य में। इसलिए मेरा नाम जोकर का गाना ए भाई जरा देख के चलो नीरज साहब ने लिखा और गाना बड़ा मकबूल हुआ। उसकी हो मर्जी तो पल में अंधा भी आंखें पा जाए, मिल जाए
सागर आ जाए। नीरज साहब ने बहुत कम वक्त के लिए फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। ऐसा बताया गया कि तकरीबन 5 बरस ही ये फिल्म इंडस्ट्री में रहे। उसके बाद दोबारा इन्होंने बतौर शिक्षक का रूप ही धारण कर लिया। हालांकि इनकी कविताएं छपती भी रहीं और कवि सम्मेलनों में इनका खूब नाम बना रहा। इनका विवाह हुआ सावित्री देवी सक्सेना से। इनके बेटे का नाम मिलन प्रभात गुंजन। नीरज साहब वो पहले शख्स रहे जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने 2-2 बार सम्मानित किया। सन 1991 में पद्मश्री और सन 2007 में पद्म भूषण। इन्हें सन 1994 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने यश भारती पुरस्कार भी दिया। गोपाल दास नीरज को विश्व उर्दू पुरस्कार से भी नवाजा गया था। नीरज साहब ने एक लंबी जिंदगी जी और 93 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तारीख थी 19 जुलाई सन 2018। सदियों तक अमर कवि गोपाल दास नीरज की कविताएं इन्हें जीवित रखेंगी। भारतीय साहित्य और सिनेमा के इतिहास में नीरज साहब सदैव अमर रहेंगे। लेकिन जो जैसा करता है, लेकिन जो जैसा करता है वो वैसा जग में भरता है। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।